हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्वातीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की मिठाई। इसके लिए हम पहले परवल को अच्छी तरह से छील लेंगे। और इसके दोनों साइड को अच्छे से काट लेंगे। फिर हम इसमें एक चीरा लगाएंगे इस तरह से, और चम्मच के उल्टे साइड से हम इसके अंदर के सारे बीज को अच्छे से निकाल लेंगे। हो सके तो आप परवल थोड़े बड़े बड़े लें, छोटे परवल टूट जाएंगे। ठीक इस तरह से आप सारे बीज को निकाल लें इसमें चीरा लगा के, और एक पतीले में पानी उबलने के लिए चढ़ा दें और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालें। अब हम इसमें 2 मिनट के लिए परवल को उबलने के लिए रख देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है, ढक के पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हमको इसको पानी में से निकाल लेना है गैस ऑफ करके। बेकिंग सोडा डालने से आप देख सकते हैं कैसे परवल का कलर ग्रीन आ गया। अब हम एक पतीला लेंगे, उसमें 1 कटोरी चीनी लेंगे और 1/2 कटोरी पानी लेंगे और चाशनी बनने के लिए रख देंगे। हमें चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, बस जब इसमें उबाल आने लगे हमें तब तक ही इसको पकाना है। आप देख सकते हैं चाशनी तैयार है, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें परवल का पानी निचोड़कर चाशनी में पकने के लिए रख देंगे 3 मिनट के लिए। पानी को अच्छे से निकाल लें वरना परवल फीका लगेगा। अब हम 3 मिनट के लिए इस परवल को चाशनी में ढककर पकने के लिए रख देंगे। तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट खोआ। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी गरम हो जाए फिर हम इसमें 1/2 कटोरी दूध डालेंगे। एक कटोरी मिल्क पाउडर लेंगे, वो उसमें डालेंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना बचे। फिर हम इसको तेज़ आंच पर इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। ये खोआ बनने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। आप इसको तेज आंच पर इसी तरह से चलाते रहें, आप देखिए कैसे खोआ गाढ़ा होता जा रहा है। जब खोआ रेडी हो जाता है तो इसी तरह से अपने तले को छोड़ता जाता है। देखिए खोआ रेडी हो चुका है। या तो हम इसी पॉइंट पे इसमें चीनी मिला लेंगे या फिर खोआ को ठंडा कर लेंगे और इसमें चीनी का भूरा मिला लेंगे, पीसी हुई चीनी मिला लेंगे जब ये ठंडा हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम परवल को चाशनी में से निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम चाहे तो इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे।
हमारा खोआ अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी मिला लेंगे। आप चाहें तो जिस वक्त हम खोआ बना रहे होते हैं आप उस वक्त भी चीनी मिला सकते हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा के और इस तरह से खोए का रोल बनाकर परवल में अच्छे से भरते जाएंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से खोआ भर देंगे परवल के बीच में। इसी तरह से हम सभी परवल में खोआ भरते जाएंगे। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे। हम चाहें तो चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। तो आप भी बनाइए परवल की मिठाई और सब मिलकर खाइए, एंजॉय करिए। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपकी कोई कमेंट हो तो आप प्लीज़ वो भी करिए। थैंक यू, बाय बाय।